एलिप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है बताओ? बताइए। बताओ भाई, एक एक करके बताओ पॉलीगन क्या होता है, या मैं नाम से पूछूं? हाँ जावेद, आप बताओ पॉलीगन क्या होता है। सर जैसे फाइव फाइव साइड हो। है? फाइव साइड। जिसमें फाइव साइड होती है। यस सर। अच्छा ठीक है। दिव्या, कविता, सॉरी कविता। हाँ सर, ये इसमें फाइव साइज होती है। इससे कम, ऊपर या नीचे? सर फोर साइड से ऊपर, ऊपर जो भी होगा वो पॉलीगन होगा। ओके चलिए। अमित, अमित आप बताओ। फाइव साइड्स होंगे और इक्वल एंगल्स होंगे सर। ओके। तुषार सर मल्टीपल साइड होंगे। ओके ठीक है। रामेश्वर, पॉलीगन के पास में साइड में क्लोज फिगर होता है और मिनिमम थ्री साइड्स होती है, मैक्सिमम देन वो डिफाइन। वेरी गुड यार, ये है परफेक्ट आंसर। जैसवाल, ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ जैसवाल, आवाज आ रही है मेरी? तो सबसे पहला, मतलब जो आपने कहा रामेश्वर, सबसे बेस्ट आंसर दिया है कि हमारे पास पॉलीगन के लिए एक सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड होनी चाहिए यानी कि एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग। अच्छा, क्लोज्ड फिगर करने के लिए हमें मिनिमम कितनी साइडें चाहिए होती हैं? थ्री साइड्स। हैविंग मिनिमम थ्री साइड्स एंड इज नोन एज any closed figure having three or more than three sides is known as polygon, right? तो सब आप ये चाहे तो definition लिख सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले shortcut की होती है POL, polygon की, या फिर आप देखिए आपको draw toolbar में polygon कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो rectangle वाले side में एक छोटा सा arrow है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको पॉलीगन दिखेगा यहाँ। तो देखो ये पॉलीगन है आपका, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे पॉलीगन दिखने लगेगा, रेक्टेंगल आप नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर आपने रेक्टेंगल चूज किया है तो आपको पॉलीगन नहीं दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो पहला नंबर, और दूसरा होता है आप यहाँ पे शॉर्टकट की डालो POL और एंटर, राइट। तो जैसे ही आप इसमें POL डालोगे तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्या है इसमें, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, कि आपको कितने साइड्स का पॉलीगन चाहिए, राइट। तो कितनी साइड डालूं उसमें बताइए? फाइव। फाइव एंटर कर देते हैं इसमें लिख करके। अब हमारे पास पॉलीगन बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका सेंटर पॉइंट मेथड और दूसरा होता है आपका एज मेथड। अगर हम बात करें पहले सेंटर पॉइंट मेथड की, तो देखो ये डिफॉल्ट मेथड होता है और देखो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है क्या, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, ऑटोमेटिक आ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि आप इसमें अपने पॉलीगन का
सेंटर पॉइंट डिफाइन करिए। तो यहां क्लिक कर दूं मैं इसके सेंटर पॉलीगन के लिए। आपने जैसे ही वहां पे क्लिक किया सेंटर पॉइंट के लिए, तो देखिए आपके पास में आ रहा है एंटर एंड ऑप्शन इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इसका क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? अमित सर, इनस्क्राइब मतलब सर अंदर में। अच्छा, सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर, वेरी गुड। और सर सर्कम ये आउटर सरफेस। बिल्कुल। तो आप सभी लोग इनके जवाब से सहमत हैं? यस सर। ओके, तो अब देखिए हमारे पास में अगला आता है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, मतलब कि क्या होता है, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करो, मतलब क्लिक नहीं करना है, तो ये आपको दो फिगर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ जी। एक रेड कलर से आपका पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड है, 6, और डॉटेड से आपको सर्कल दिखाया गया है। तो दोनों में ही आपको दो पॉइंट देने हैं, ग्रीन कलर से लिखा हुआ 1 और 2। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पहला वाला ऑप्शन है वो है आपका इनस्क्राइब्ड का ऑप्शन। कौन से वाले का? हाँ, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल वाला का ऑप्शन है पहला वाला। तो उस केस में अगर आप देखें तो सेंटर पॉइंट से और जहां पे भी आपका कॉर्नर है, कॉर्नर तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। देखो कॉर्नर आपके सर्कल पे टच कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो वही आपके रेडियस होंगे इनस्क्राइब्ड के केस में। हाँ जी। और अगर हम बात करें दूसरे वाले की, दूसरा वाला है आपका सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, तो उसमें देखो पहला पॉइंट तो आपको सेंटर पॉइंट पे है, दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पॉलीगन की एज के मिड पॉइंट पे है, है? हाँ जी। और सर्कल अंदर बन रहा है, तो इसमें रेडियस कहां से होगा? 1 पॉइंट से लेके 2। यानी कि हम जो इसमें डिस्टेंस देंगे वो कहां का देंगे? सेंटर से लेकर के एज के मिड पॉइंट तक। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई, इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड। अब यहां पे आपको ऑप्शन देना है कि आपको कौन सा वाला चाहिए, इनस्क्राइब्ड चाहिए या सर्कमस्क्राइब्ड चाहिए, बताओ। अगर आपको इनस्क्राइब्ड चाहिए तो आपको आई एंटर करना पड़ेगा, और सर्कमस्क्राइब चाहिए तो आपको सी एंटर करना पड़ेगा। तो अभी इनस्क्राइब के लिए देखो मैं आई एंटर कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए मेरे सेंटर पॉइंट से बनना स्टार्ट हो गया पॉलीगन। और देखो रेडियस कहां तक क्लियर है, वो कॉर्नर पॉइंट तक, कॉर्नर तक। हाँ जी, कॉर्नर तक क्लियर है। तो आप इसमें इजिली तरीके से आप देखो नीचे कमांड विंडो में पढ़ो क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो जितना भी आपको रेडियस चाहिए आप वो यहाँ पे वैल्यू डाल दो रेडियस की, जैसे कि अभी मुझे 30 चाहिए और 30 एंटर कर दिया, तो ये आपका 30 का सर्कल बन गया, वो सॉरी पॉलीगन बन गया। क्या आपको ये, इसमें देखो पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन हमारा ऑटोकैड में जो हम बनाते हैं तो वो आपका रेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ठीक है जी? यस सर। तो इसमें आपको अगर पॉलीगन बनाना है तो उसकी सारी साइड इक्वल ही आएंगी, आप डिफरेंट नहीं बना सकते पॉलीगन कमांड से, राइट? और अब इसमें करिए क्या, ये तो था आपका इनस्क्राइब्ड वाला, अब दूसरा करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल में। तो फिर से हमने यहाँ से एक बार यहाँ से पॉलीगन एक्टिवेट करते हैं। देखो फिर से आपसे मांग रहा है क्या, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, 5 ही एंटर कर देते हैं इसमें, और सेंटर पॉइंट पॉलीगन यहाँ दे देते हैं। इस बार लेते हैं हम सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड के लिए आप क्या करोगे, सी एंटर।
सी टाइप करो और एंटर कर दो। तो देखो इस बार रेडियस कहां से ले रहा है आपका? सेंटर से, साइड पर। सेंटर पॉइंट से लेकर के साइड के मिड पॉइंट पे। और आप इसमें रेडियस डाल दो फिर 30। तो ये बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? सेम साइज बनेगा। नहीं भाई बड़ा नहीं बनेगा। बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़े बनेगा, बड़ा बनेगा। डायमीटर, डायमीटर होगा। डायमीटर नहीं होगा क्योंकि ये डायमीटर टच करेगा भाई। ये जो डिस्टेंस है ये आपका बड़ा है और ये डिस्टेंस आपका ये है 30। हाँ जी, ये 30 है और ये भी 30 है। तो ये डिस्टेंस ज्यादा आएगा अपेक्षा जिसके, इसीलिए ये बड़ा बना है। हैं दोनों ही 30-30 के, राइट? तो ये आपका था फर्स्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं क्या, पॉलीगन विथ सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट मेथड। अगला मेथड आता है इसमें एज मेथड। एज मेथड होता है आपका EDGE, एज। उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीगन की एक साइड का डिस्टेंस देते हैं, किसी भी एक साइड का दे दो, बाकी तो सारी की सारी फिर इक्वल होती ही है। तो उसके लिए फिर से आप क्या करोगे, POL एंटर करोगे और फिर से आपको क्या करना है इसमें, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। इस बार कितनी ले लूं साइड्स? फोर रहते हैं। फोर, फोर का नहीं, फोर तो रेक्टेंगल जैसा दिख जाएगा आपको, स्क्वायर जैसा। सिक्स ले लूं? सिक्स ले लो सर। सिक्स एंटर कर देते हैं। चलिए अब इसमें सिक्स आपने एंटर कर दी, तो देखिए अब हमारे पास क्या आ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, ये तो हमें करना नहीं है। ब्रैकेट में लिखा रहा है एच, तो एच के लिए हम क्या करेंगे, ई टाइप करेंगे और एंटर मार देंगे। तो ये एच मेथड हमारा एक्टिवेट हो गया है और क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एच। तो आप यहां पे फर्स्ट पॉइंट दीजिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट आप देखिए कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे। तो मैं यहाँ पे एज का डिस्टेंस दे दे रहा हूँ 20। तो देखिए आपका 20, ये सारी की सारी एज आपकी कितने कितने की होंगी, फिर 20-20 की होंगी। तो आप इस तरह से एज मेथड से भी अपना पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक है? सेकंड एज पॉइंट मांग रहा है, एंड पॉइंट। सेकंड एंड पॉइंट मतलब ये है कि आपके लाइन में दो एंड पॉइंट होते हैं। जी सर। तो फर्स्ट पॉइंट आपने दे दिया, तो सेकंड पॉइंट तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा, या फिर आप उसमें डिस्टेंस दे दो। क्या हो गया, ये लास्ट वाली कमांड जो है एंड पॉइंट मेथड द्वारा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलीगन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप इसमें POL टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है? अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी देनी है, कितनी दे दूं? सिक्स तो पहले बनाई थी यार, कुछ और बनाते हैं इस बार, सेवन दे दूं? यस सर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ, एंटर द सेंटर ऑफ पॉलीगन। हमें ये तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, एज मेथड। एज मेथड के लिए क्या करेंगे, ई टैप करके एंटर कर देंगे। तो देखो अब आपसे पूछा है स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज। तो आप इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं किसी भी एज के, फर्स्ट पॉइंट दे दिया आपने, देखो अब आपसे मांग रहा है स्पेसिफाई द सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज। तो सेकेंड एंड पॉइंट के लिए या तो आप कर दो उसमें क्लिक, या आप दे दो उसमें डिस्टेंस। अगर सपोज आपको इसकी लेंथ कितनी चाहिए, बोलो 30, तो आप 30 टैप करके और एंटर मार दो सेकेंड पॉइंट के लिए, तो उसी डायरेक्शन में वो 30 का आपका एज बन जाएगी।
अब सारी के सारे इसमें एज कितने की है आपकी? 30 की और 7 एज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये देखो 7, ठीक है? Yes, किसी को कोई डाउट? No, sir. तो ये आपका पॉलीगन मेथड था, कौन सा? पॉलीगन मेथड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है एलिप्स। क्या आता है एलिप्स? एलिप्स क्या होता है, कोई बताएगा? अंडाकार साइज होता है उसका सर। कि अंडाकार साइज होता है, ठीक है सुजीत, मान ली आपकी बात। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? दिस इज अ कॉनिकल सेक्शन ऑफ अ इंक्लाइंड सेक्शन ऑफ अ कोन। नहीं इट मींस नहीं है ही नहीं रामेश्वर, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। देखो, अगर आपने सोलर सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें ऑर्बिट्स होती हैं, जिस ऑर्बिट में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, तो उस ऑर्बिट को ही हम एलिप्टिकल शेप कहते हैं, राइट? और उस एलिप्टिकल शेप को आप जब आप देखेंगे तो वो दो उसमें एक्सिस होती है। कितनी एक्सिस होती है? मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। देखो मैं बना के दिखाता हूं, इस तरह से आपकी शेप होती है एलिप्स की, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखें तो एक ये होती है आपकी मेजर एक्सेस और ये होती है आपकी माइनर एक्सेस। अच्छा ठीक है, एक और एलिप्स बनाते हैं हम यहाँ पे, तो ये एक्सेस कौन सी होगी? मेजर? मेजर की माइनर? मेजर माइनर होगी। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है रामेश्वर, आपकी सुजीत ठीक, माइनर, ओके वेरी गुड। मैंने इसीलिए इसको पूछा था कि कुछ लोग इन्हें ये समझ लेते हैं कि भाई जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है वही हमारी माइनर या मेजर एक्सिस होती है, ठीक है? तो वो आपके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ पे। लेंथ पर अगर सिंपल भाषा में कहें कि जो एक्सिस इसमें बड़ी होगी वो हमारी मेजर एक्सिस होगी और जो एक्सिस हमारी छोटी होगी वो हमारी माइनर एक्सिस होगी। माइनर एक्सिस होगी, राइट? यस सर। तो इसमें देखिए हमारे चार कॉर्नर पॉइंट है, कितने हैं? चार। आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सिस इसमें मेथड होते हैं वो आपके दो मेथड होते हैं एक्सिस बनाने के। पहला एक मेथड होता है आपका एक्सिस एंड पॉइंट मेथड। सबसे पहले हम उसी को पढ़ते हैं, क्या होता है एक्सिस एंड पॉइंट। तो हमारे एक्सिस के कितने एंड पॉइंट है यहाँ पे? चार। चार। और हम एलिप्स बनाते समय तीन को स्पेसिफाई करते हैं, कितने? तीन, तीन। तीन को। तो कोई बताएगा मुझे इसमें से वो तीन पॉइंट कौन से हो सकते हैं? ए बी सी भी हो सकता है। अगर ए सी ए डी सी नहीं हो सकता? ए डी सी भी हो सकता है। ए डी और सी सी बताओ। हाँ सर पक्का। हाँ सर। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, सी बी डी भी नहीं हो सकता? जो ट्रायंगल बनाएगा सर वो सब होगा सर। नहीं भाई ऐसा नहीं है, यही इसीलिए मैंने ये पूछा है आपसे। पहले एक्सिस कंप्लीट होनी चाहिए, और जैसे सी डी भी हो जाएगा या ए बी डी हो जाएगा या ए बी सी हो जाएगा। वेरी गुड भाई रामेश्वर, वेरी गुड भाई, कहां से सीख के आ रहे हो यार?
मुझसे मैंने तो बताया भी नहीं अभी, तो मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ। अरे हाँ वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, तो फिर आगे मत बोलो तुम लोग जॉब कर रहे हैं नहीं रहा ठीक है। अब देखो कि हमारा अगर आप ए पॉइंट दे रहे हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बी पॉइंट, ये कंपलसरी है। अगर आप पहले स्पेसिफाई कर रहे हो सी पॉइंट तो उसके साथ आपको डी पॉइंट लेना कंपलसरी है, क्योंकि आपको सबसे पहले फर्स्ट एक्सिस, चाहे आप मेजर ले रहे हो चाहे ले रहे हो माइनर, दोनों में से कोई सी भी एक्सिस ले रहे हो तो आपको पहले उसका एक्सिस एंड पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आपने ए पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिया है तो यू हैव टू स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट एज बी। अगर आपने ए पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिया है तो आपको दूसरा पॉइंट बी लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने बी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिया है तो आपको ए पॉइंट को सेकंड पॉइंट लेना ही पड़ेगा, राइट? और अगर आपने फर्स्ट पॉइंट सी को लिया है तो सेकंड पॉइंट आपको डी पॉइंट लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने डी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिया है तो आपको दूसरा पॉइंट सी लेना ही पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट के लिए आप कोई सा भी ले सकते हो, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी लिया है तो थर्ड पॉइंट आप या तो डी ले लो या सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो सेंटर से दोनों ही डिस्टेंस क्या है आपके बराबर है, तो आप इसको कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अभी मैं आपको इसके डिस्टेंस बता रहा हूँ जिस डिस्टेंस से हम इसको बनाएंगे, तो ये डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक का, और आपका ये वाला, तो स्पेसिफाई करता हूँ इसका डिस्टेंस, आप इसे ले लो आप 50 और इसको ले लो आप यहाँ पे 2020, राइट? तो ये 50 जो डिस्टेंस है आपका ए बी का है और जो 20 डिस्टेंस है आपका सी डी का है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो इलिप्स आपको यहाँ मिलता है, इलिप्स के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक्सिस एंड पॉइंट मेथड और आपका सेंटर पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सिस एंड पॉइंट, तो आप एक्सिस एंड पॉइंट यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे ई एल एंटर करेंगे, क्या करेंगे ई एल आपकी शॉर्टकट है इलिप्स की, ई एल एंटर करेंगे तो आपके पास में देखो फर्स्ट मेथड क्या लिखा आ रहा है, स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट, क्या होता है एक्सिस एंड पॉइंट, तो ये डिफॉल्ट मेथड है आपका एक्सिस एंड पॉइंट, तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट दीजिए, यहां पे क्लिक कर लो फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखो अगर आप इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया इस केस में, ए, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, डी, सॉरी बी, 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 बी। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, सी, सी, और एंड पॉइंट कौन सा होगा, डी, डी। और अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो सर फर्स्ट बी होगा और सेकंड ए होगा, सेकंड ए होगा, वेरी गुड। तो आप इसी तरह से इसमें और नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो डी फर्स्ट पॉइंट और सी आपका सेकंड पॉइंट, तो मैं ए से बी की तरफ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है? अब ये अगर मैं यहाँ पे दूं, अगर वही डायमेंशन में फॉलो करूं जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो कितना डिस्टेंस देना पड़ेगा मुझे, 50, ठीक है 50, क्योंकि हमें वो एंड टू एंड लेना है भाई राज, वो 60 नहीं है 50 है, 50 का डिस्टेंस है देखो, तो हमें यहां से 50 लेना है, तो 50 टैप कर दो, देखो वो लिख भी रहा है
स्पेसिफाई द अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट तो देख चुके हैं, अब आपसे अदर एंड पॉइंट मांग रहा है, तो उसमें 50 लिख करके एंटर कर दो। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, अदर एक्सिस मतलब दूसरी वाली एक्सिस का डिस्टेंस देना है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना था, कितना लेना है सर? ये वाला आपको 20 होगा, तो सेंटर से अगर आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा बी से डी तक कितना, सी से डी तक कितना था, 20। तो लेकिन ये हमारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है? सेंटर से, सेंटर पॉइंट से। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हाफ डिस्टेंस उसका एंटर करना पड़ेगा, यानी कि 20 का हाफ हो गया आपका 10, और 10 टाइप करो और एंटर कर दो। तो देखो आपका एलिप्स बन गया। तो इसमें आपने बताइए सर। हाँ बताते हैं अमित जी, बताते हैं। तो पहले ये देखो कि ये हमारा डिजायर्ड उसी शेप का बना है कि नहीं। अब एक बार और समझ लो इसको, पहले ये समझ लो कि एलिप्स हम बनाने जा रहे हैं जिसकी डायमेंशन है आपकी 50 और 20, राइट। और यहां से आप इस बार यहां से एक्टिवेट कर लो एक्सिस एंड पॉइंट। तो अब आपसे पूछ रहा, देखो स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, तो आप यहां पे क्लिक कर दो एक्सिस एंड पॉइंट के लिए। अब आपसे दूसरा एंड पॉइंट पूछ रहा है आपसे, दूसरा एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना देना है आपको? 50। तो 50 टाइप कर दो और एंटर कर दो। अब आपसे दूसरी एक्सिस एंड पॉइंट का डिस्टेंस मांग रहा है कितना देना है? 10। 10 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सेंटर से मेजर कर रहा है। हाँ जी, ठीक है अमित। अब देखो, अब इसमें सेकंड मेथड आता है आपका, सेंटर पॉइंट मेथड। क्या आता है? सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट मेथड में क्या होता है, आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? हमेशा सेंटर ही होगा, ठीक है। तो इस केस में आप कोई सी भी, आपके पास देखो सेंटर पॉइंट पे जा रहे हो तो आपके पास चार आ जाती हैं, या तो आप सेंटर को अगर हम ओ मान लें, ओ बी दे सकते हो, ओ डी दे सकते हो, ओ ए दे सकते हो, और ओ सी दे सकते हो, पहला पॉइंट है कि नहीं। तो आप यहां से एक्टिवेट करो सेंटर पॉइंट मेथड, ये आपका सेंटर पॉइंट है। और सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वो स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ एलिप्स। तो ये आपका देखो सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ पे इस तरफ जाना है आपको, या इस बार चलो ऊपर वाली, ऊपर की तरफ जाते हैं, माइनर एक्सिस को पहले बनाते हैं। कितना डिस्टेंस देना पड़ेगा? 10। वेरी गुड। और ये दूसरा वाला कितना देना पड़ेगा? 25 देना पड़ेगा। अच्छा, 50 किसने बोला था अमित? नहीं सर, 25 बोलो। अच्छा चलिए ठीक है, तो 25 देंगे, हाफ लेंगे, क्योंकि हर एक डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं इसमें? सेंटर पॉइंट से, राइट? जी। किसी को कोई डाउट भाई? नहीं। समझ में आ रहा है? सर। कविता? जसवाल, समझ में आ रहा है आपको? बोलो जसवाल, आपकी आवाज नहीं आई, कट गई। आ रहा है सर, आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इसमें आपके दोनों मेथड हो गए, एक्सिस एंड पॉइंट भी हो गया और आपका सेंटर पॉइंट भी हो गया। अब इसमें एक लास्ट मेथड बचता है आपका, एलिप्टिकल आर्क बनाने का। कौन सा मेथड? एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क क्या होता है, कोई भी इसका चाप, जिसे हिंदी में कहते हैं चाप, आर्क, यानी कि आपके कोई भी इस पे सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे तो वो हमारा चाप बन जाएगा या आर्क बन जाएगा, राइट? समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें एलिप्टिकल आर्क बनाना है। आर्क क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि हमारा क्लोज फिगर है, उसके दो भी कोई कॉर्नर को काटते हैं, वो हमारा आर्क बन जाता है।
हाँ जी, तो उसको आर्क बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिएंगे? आर्क बनाने के लिए तीन चाहिए होंगे, दो पॉइंट, दो पॉइंट। ठीक है, तो देख राज, आपने ये नो सर क्यों लिख के भेजा है? राज, मैं आपके ये नो सर का मतलब नहीं समझा, किसके लिए भेजा है? अच्छा, कोई डाउट है उसके लिए भेजा था नो सर? नहीं भाई, मिनिमम थ्री रिक्वायर्ड नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए फाइव, क्योंकि तीन पॉइंट तो आपको एलिप्स बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, राइट? Yes, और चौथा पॉइंट होगा आपका स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, और पांचवा पॉइंट होगा आपका एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? फाइव। तो इलिप्टिकल आर्क बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट देने पड़ेंगे आपको? फाइव पॉइंट, राइट? ओके, तो चलिए बना के देखते हैं कैसे बनता है हमारा इलिप्टिकल आर्क। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ई एल करना, एंटर करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इलिप्टिकल आर्क चूज कर सकते हो। तो मैं शॉर्टकट के थ्रू बता रहा हूँ आपको, ई एल टाइप करो और एंटर मारो। तो देखो आपका, ना तो हमें अभी एक्सेस एंड पॉइंट देना है और ना ही सेंटर पॉइंट, हमें क्या चूज करना पड़ेगा यहाँ से? आर्क। तो आप आर्क के लिए यहाँ पे ए एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आपने ए एंटर किया, तो अब आपके पास में दो मेथड बचे हैं, आपका पहला है एक्सेस एंड पॉइंट मेथड और दूसरा है आपका सेंटर पॉइंट। तो इन दोनों में से किस से मैं इलिप्स बनाऊं? दोनों ही आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, कौन से समझ में नहीं आया था बता दो, दोबारा रिपीट कर दूंगा यहीं पे। दोनों समझ में आया सर। ओके, चलो तो सेंटर से बना ले। यस सर। तो सेंटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सी एंटर करना पड़ेगा। यस सर। तो सी एंटर कर दो आप यहाँ पे पहले, और अब आपको क्या देना है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के लिए यहाँ क्लिक करो। अब ये वाला डिस्टेंस हम वही वाला ले रहे हैं 25, और ये वाला आपका 10। हाँ जी, सॉरी कितना था वो? 10 ही तो था। 10 ही था। तो देखो ये आपका एलिप्स बन गया आपका। Yes, अब देखो आपसे बोल रहा है स्टार्ट एंगल, क्या मांग रहा है आपसे? स्टार्ट एंगल। तो स्टार्ट एंगल कितना दें? कहां से आपको अपना आर्क स्टार्ट करना है? या तो आप इसमें वैल्यू में दे दो, या सिंपल क्लिक भी कर सकते हो कि सपोज आपको यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट यहां क्लिक कर दो और दूसरा क्लिक यहां कर दो। तो मैं क्लिक करके बताऊं या यहां पे एंगल देके बताऊंगा आपको? एंगल देखे बता दो, क्लिक करके दे, समझ में आ गया, क्लिक कर। ठीक है, क्लिक करके तो इजी है, कहां जहां तक चाहिए तो वहीं तक दे दो। तो आपको स्टार्ट एंगल कहां से लेना है बताओ? जीरो से स्टार्ट करूं या किसी दूसरे एंगल से करूं स्टार्ट एंगल? जीरो से। तो आप इसमें पहला एंगल दे दो जीरो, और कितने पे जाकर के एंड करना है आपको? स्पेसिफाई द एंड एंगल। तो देखो जा रहा है, बन रहा है आपका, जैसे जैसे आप अपना माउस के कर्सर को घुमा रहे हो उतना ही आपका आर्क बन के जा रहा है। अगर आप इसमें 90 एंगल दे देते हो तो आपका इतना बनेगा ये? यस सर। 60 दे दोगे तो आपका लगभग कितना बनेगा? इतना। 120 दे दोगे तो लगभग कितना बनेगा? यस सर। और 180 दे दोगे तो पूरा इतना बनेगा? पूरा इतना सर। 270 दे दोगे तो इतना बन जाएगा। 360 नहीं दे सकते हो अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो? नहीं नहीं सर। तो कितना दे दो इसमें एंगल बताओ? 270। कितना? 270। 270 दे दूं? चलिए 270 दे देते हैं इसमें। 270 दे दिया और एंटर कर दिया, ये लो। तो देखिए बन गया आपका 270 तक।
यस सर राइट किसी को कोई डाउट इसमें आर्क में ठीक है तो मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूं बनाने के लिए मेरा 270 तक कटेगा नहीं 270 तक बनेगा जी मतलब वही 270 तक पूरा राउंड होगा हाँ बिल्कुल देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ 90 होगा इधर 180 और नीचे की तरफ 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो ड्रॉ कर दिया उसने राइट चलिए आज का होमवर्क है सॉरी तो आप जैसे लाइन को सीधी करते हो वैसे इंक्लाइन कर लो क्या फर्क पड़ेगा अभी रुक जाओ पहले होमवर्क दे दूं आज का ठीक है ये इसमें एलिप्स बनानी है आपको और आपका वो भी बनेगा तो ये आपको इस तरह से बनाना है अब इसकी मैं डायमेंशन बता देता हूं ये टोटल डिस्टेंस है आपकी 85 की ये दोनों और ये जो डिस्टेंस है आपका ये है 50 का 50 यहां से यहां तक पूरा ऊपर से लेकर के यहां तक और ये डिस्टेंस कितना बचेगा 35 सिमिलरली ये भी आपका कितने का बचेगा 35 का ठीक है और ये जो आपका एलिप्स का ये डिस्टेंस है ये है आपका 20 का तो हाफ देना पड़ेगा और ये टोट ये यहां से लेकर के यहां तक का आपका 50 दिया ही है आपको दोनों एक्सेस हो गई दोनों में तो आपको इस तरह से ये फिगर बनाना है बन जाएगा यस सर ड्रॉ कर लो कॉपी में और नीचे है सर नीचे तो सेम ही होगा जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा ओके सर एक मिनट बताता हूँ राज भाई बताता हूँ आपको रोटेशन वाला भी बताता हूँ एक मिनट ये नोट कर लो आप प्रिया आ गया आ गया ठीक है भाई सबने नोट कर लिया इसकी बुक मिलती है क्या मार्केट में भाई इसकी बुक आपको नहीं मिलेगी ऐसा नोट हो गया आप मेरे नोट्स बनाते चलो ठीक है और मैं आपकी कोशिश करता हूँ कोई भी पीडीएफ मिल जाती है मुझे ऑटोकैड की तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ठीक है
यस सर। अच्छा नोट हो गया है। अच्छा कल राज को एक रेक्टेंगल वाले में प्रॉब्लम है, वो रेक्टेंगल वाला मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो रेक्टेंगल एक्टिवेट करेंगे और फर्स्ट पॉइंट देंगे आप। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में रोटेशन के लिए आर टाइप करेंगे। आर तो देखो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। तो जितना आपको रोटेशन एंगल चाहिए, सपोज मुझे 45 चाहिए तो 45 एंटर किया, तो देखो मेरा रोटेशन हो गया 45 एंगल पे। लेकिन ये बना नहीं है अभी। बनाने के लिए आपके पास देखो एरिया मेथड भी है, डायमेंशन मेथड भी है और टू कॉर्नर पॉइंट भी है। तो मैं टू कॉर्नर पॉइंट से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मेरा रेक्टेंगल बन गया आपका किस पे, 45 एंगल पे। भाई ऐसे ही करेगा काम, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई सेटिंग भी नहीं होती है कि कोई गड़बड़ हो सकती है। सीधे कमांड बेस्ड है, कमांड बेस्ड से फॉलो करो तो ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके मुझे फोटो भेजते रहिए बना करके। और अरे हाँ सॉरी अभी बताता हूँ यार, तो मैं डायरेक्टली बना देता हूँ एक्सेस एंड पॉइंट से। ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट दिया, अब इसको इंक्लाइन कर दो ऐसे लाइन को। आप पहले क्या ले रहे थे, ऐसे कर रहे थे या ऐसे कर रहे थे? इस बार इंक्लाइन कर लो, लो और ये वाला सेकंड वाला डिस्टेंस है तो लो, इंक्लाइन बन गया आपका। ठीक है, अरे यार बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट लो और इधर आपने इंक्लाइन कर दिया, या फिर एट द रेट एंगल, एट द रेट डिस्टेंस और एंगल भी दे सकते हो। और इस तरह आपके डायरेक्शन जो होगा एक्सिस, तो एंगल होगा सर एक्स एक्सिस के साथ ही होगा ना? बिल्कुल, वो हमेशा एक्स एक्सिस से ही काउंट करेगा। ओके ठीक है भाई, ओके गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।